थिएटर पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है उन लोगों के लिए जो होम्योपैथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथी की प्रतियोगी परीक्षाएं जब भी आती हैं तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट जो है या नंबर ऑफ जो पदों की संख्या होती है वो हमेशा कम होती है, और उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग होम्योपैथी प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं। कारण ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है होम्योपैथी प्रतियोगी परीक्षाओं को देना चाहते हैं। रीजन ये है क्योंकि जितनी संख्या होम्योपैथी प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले छात्रों की है, डॉक्टरों की है, उसके सापेक्ष जो है सीटों की संख्या जो है काफ़ी कम होती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ये इस तरह के लेवल का कंपटीशन होता है, अगर इसकी तुलना की जाए तो किसी यूपीएससी या यूपीपीएससी के जो पद होते हैं, जैसे कि आपका डीएम एचडीएम वाले पद हो गए, तो इस तरह के जो बड़े पद होते हैं उनके बराबर ही इसमें कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सीटों की संख्या कम होती है और देने वाले जो है ऑल इंडिया से जो है अप्लाई करते हैं, और तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो सटीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो अटेम्प्ट हो क्वेश्चन का वो बेहतरीन तरीके से हो। तो उसी के वे में आज हम आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि लगातार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप पेपर उठाकर देखते हैं तो उससे क्वेश्चन आते रहते हैं या पूछे जाते हैं, और जल्दी जो है हम उसको इग्नोर करते हैं या उसको रट लेते हैं और बाद में हम उसको भूल भी जाते हैं बड़े आसानी से। तो हम आपको सिर्फ 6 पेज पढ़ने की बात करते हैं, वो 6 पेज जो है आपको कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में हम आपको आज आपको बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो है कि आप अधिकतर जो है ऑर्गन ना मेडिसिन बहुत से ज़्यादा लोग, इवन कि मैं भी एके दास से पढ़ते थे, उसके अलावा ऑर्गन ना मेडिसिन की सबसे बड़ी बुक होती है ये वाली जो आप सभी लोगों के पास होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पढ़ने वालों की संख्या इस बुक को कम होती है। मैं भी उसी में से एक था, जनरली इस बुक को लोग पढ़ते नहीं, एके दास ही पढ़ते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, एक बार जो है आपको इस बुक को रीडिंग करना है, और नहीं आपको पूरी बुक अगर रीडिंग करने का मन हो रहा है, बाकी चीज़ें आपको एके दास में मिल जाती हैं, लेकिन इसमें से आप जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़िए, प्रीफेस जो हनीमैन साहब का दिया हुआ है अगर वो पढ़ लेते हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों की संख्या मात्र 6 से 7 पेज की होती है। अगर आप प्रीफेस और इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो ऑर्गन्स के होते हैं वो इससे ज़रूर और ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये बुक आप देख रहे हैं, इस बुक का नाम है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया है 5th एडिशन आरी डगजियन और 6th एडिशन जो है विलियम बोरिक के द्वारा। इसमें आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जब कंटेंट्स खोलते हैं पेज, तो इसमें देखिए ये आपको एक दिखाई देता है, इसमें लिखा हुआ है ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ द हीलिंग कंटेंट पब्लिशेस फ्रॉम द 2nd एडिशन। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कंटेंट्स थे उसकी शुरुआत जो है 2nd एडिशन से हुई थी। आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट में था, एक तो प्रीफेस था, वेरियस एडिशन ऑफ ऑर्गन, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट एंड अपेंडिक्स, तो ये सभी चीज़ें थी। देखिए ये लिखा गया है कि पब्लिशेस एट टरगाऊ इन 1807 प्रीफेस है। प्रीफेस की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें टेक्स्ट में जो है थ्योरेटिकल पार्ट होता है एफोरिज्म नंबर 1 से 17 तक, और प्रैक्टिकल पार्ट अगर हम देखते हैं तो 71 से लेके 294 यानी 71 से लेके 294 तक हमें देखने को मिलता है एफोरिज्म में। ये चीज़ें जो है कंटेंट्स की अगर हम बात करें
तो कंटेंट्स की शुरुआत ही सेकेंड एडिशन से हुई थी। अब ये छोटी सी बात है जो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब उसके बाद आप आ जाते हैं एक बहुत बड़ी चीजों में जिसके बारे में बताया गया है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंस इनका टॉपिक है। इसमें इंट्रोडक्शन की शुरुआत इन्होंने करी है कि टू डॉक्टर बोरिक ट्रांसलेशन ऑफ द सिक्स एडिशन ऑफ द ऑर्गन हनेमैन ऑर्गनन। इसमें बाकायदे इन्होंने बताया, इसमें जैसे कि विलियम बोरिक के बारे में बताया गया है कि विलियम बोरिक साहब भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो हाथों से लिखे हुए ऑर्गन ऑफ मेडिसिन थे सिक्स एडिशन, उसको जो है संभाल के रखा था। ये क्वेश्चन आता भी है कि कब कब संभाल के रखा था, तो देखिए इसमें लिखा भी है कि वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 18 तक हुए थे उसमें, और पहला जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था कि पेरिस में जब फ्रेंसो पर्सियन वार हुआ था 1870 से 1871 तक, ये दोनों समय में जो है कि बहुत ही मुश्किल हालात थे उस दौरान, जो है इस मैन्युस्क्रिप्ट को संभालने का पूरा जिम्मा जो है डॉक्टर विलियम बोरिक को जाता है। ये इंट्रोडक्शन में लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें लिखी है जैसे कि फोर इपोकल कौन कौन से हैं, तो वो आप इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बहुत बाकायदे की चीज़ें हैं, इपोकल के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने कोटोले काल्जियम लिखा है, सीसर इफेक्सियस सीसस कॉजल लिखा है। तो आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िए। इस इंट्रोडक्शन जो है कि अगर आप एक से दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके तीन चार क्वेश्चन इससे जरूर और जरूर आते हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जेम्स क्रॉज जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था वो कौन से डेट पर हुआ था, तो वो भी इसमें लिखा हुआ है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बोस्टन में सितंबर 30, 1921 में जेम्स क्रॉज ने एमडी जो है जेम्स क्रॉज एमजी एमडी ने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये डेट भी आती आएगी आगे, या अगर आप देखें तो क्वेश्चनों में आ सकता है कि बोस्टन सितंबर 30, 1921 में इसका ट्रांसलेशन जेम्स क्रॉज ने किया था, बोस्टन में किया था। फिर उसके बाद ऑथर प्रीफेस टू द सिक्स एडिशन डॉक्टर हनेमैन साहब के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें भी बहुत चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, जैसे विपरीत हो रहा है और भी बहुत सी टॉपिक्स है या बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हनेमैन साहब ने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है। इंट्रोडक्शन में भी देखिए ये चीज़ें है कि कोठन में जो है मार्च 28, 1833 ये सैमुअल हनेमैन साहब द्वारा लिखा गया है। ये देखिए ये सब चीज़ें इसमें आप जो है कि आप इंट्रोडक्शन और साथ में जो है प्रीफेस जो डॉक्टर हनेमैन साहब का, इतना आप पढ़िए, इससे पढ़िए। और अगर आप ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें ज़्यादा जो इनके कंटेंट्स होते हैं आप उसको पढ़ लीजिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंस होते हैं। उससे आपको सभी चीज़ें आ जाएंगी, कौन से एफोरिज्म में क्या लिखा गया है। एक सीरे से इन्होंने दिया है, आप इसको पढ़िए और यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन ऑर्गनन में गलत नहीं होंगे। आप देखिए कंटेंट्स है, कंटेंट्स में एक दो एफोरिज्म, तीन चार पाँच छः इस तरह इन्होंने दिया है। आप एक बार इस बुक को ज़रूर और ज़रूर पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है और यकीन मानिए कि इससे आपके क्वेश्चन कन्फर्म जो है सही होंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू जितने भी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो आपको हम एक बार निवेदन करते हैं कि अगर आप कोई भी होम्योपैथिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऑर्गनन का जो है फिफ्थ और सिक्स एडिशन जिसको डॉक्टर आरी डगजियर और डॉक्टर विलियम बोरिक साहब ने लिखा है उसको ज़रूर पढ़िए, बहुत बेहतरीन बुक है। और जो भी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप कर रहे हैं उसमें आप सफलता अर्जित करें, यही हमारी दुआ है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और साथ में हमें आपके कमेंट की ज़रूरत रहती है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि हम आपको किस तरह के वीडियो बनाएं, और साथ में अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो,
कुछ आपको हमसे पूछना हो तो आप बकायदे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके हर सवालों का जवाब देते रहे हैं और देते रहेंगे। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।